हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पीयूष गज्जर स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेडियन कैडकम में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ होल मिलिंग। अगर हेलिकल में आपको फिनिशिंग करना है, होल में कोई रफिंग करना है, स्पाइरल में चलाना है, तो सारी मेथड आज हम देखेंगे होल मिलिंग में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिएट ऑपरेशन होल मेकिंग में होल मिलिंग। ओके, सबसे पहले यहाँ से फीचर जियोमेट्री दिखाना है कि मान लो मुझे ये होल डाउन साइड आ रहा है, यहाँ से पीछे कॉलर दिया हुआ है, इसकी वजह से ये पीछे की साइड से पकड़ रहा है। हम यहाँ से करेंगे फेस सिलेंडर 2 और ये रिवर्स साइड। ओके, अब यहाँ से आप डीप डायामीटर सब यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि डेप्थ मुझे चाहिए यूजर डिफाइंड, यहाँ से मैं 25 mm डेप्थ तक करूँगा। ब्लाइंड होल आ गया ये। ओके, यहाँ से एक टूल क्रिएट कर लेंगे कि मेरे पास एक 20 का मिल लेना है मुझे, 20 20। ओके, सॉरी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आता है कट पैटर्न। तो कट पैटर्न में है अपने पास स्पाइरल है, हेलिकल है, हेलिकल एंड स्पाइरल है एंड सर्क्युलर है। इसमें से मोस्ट ऑफली ये दो यूज होता है, स्पाइरल और हेलिकल। तो सबसे पहले हम लोग हेलिकल देखेंगे। हेलिकल में यहाँ नीचे आएंगे तो एक दिया हुआ है एक्सियल, दूसरा दिया गया है रेडियल। एक्सियल का मतलब है कि जेड आपका जो टूल जो पोजीशन से आ रहा है वो आपका एक्सियल है, और रेडियल मतलब कि आपका एक्स और वाई हो गया। तो अगर एक्स और वाई के पैरामीटर में कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ से करेंगे। जेड में डेप्थ ऑफ कट वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे जनरेट कर लेते हैं ताकि आपको मैं बता सकूं कि कैसे ये वर्क करेगा। यहाँ से मैं और 25 कर देता हूँ, 25% टूल के परसेंटेज से जनरेट। तो ये आप देखो यहाँ पे 1 2 3 पासिस आए मेरे, ठीक है। अगर रेडियल में ये पासिस कम करने हैं तो रेडियल में कर देना है। तो यहाँ से मैं टूल की जगह पे 25 mm कर देंगे जनरेट, तो ये सिंगल पास हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको जेड में डेप्थ ऑफ कट में कुछ चेंज करना है ठीक है, अभी ये है टूल के परसेंटेज से, तो यहाँ से हम लोग mm कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दूंगा कि मुझे 1 1 mm का पीच चाहिए, पास कितने चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज इसमें भी आप मल्टीपल कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हो, बेटर पास है जनरेट। तो ये 1 1 mm की पीच लेके आपको मशीनिंग करके देगा। सेम यहाँ से पीच हम लोग चेंज करेंगे, 5 mm का पीच कर देते हैं जनरेट, ये 5 mm का पीच हो जाएगा। उसके बाद इसके कटिंग पैरामीटर्स में थोड़े बहुत चेंज है वो हम लोग देख लेते हैं। कटिंग पैरामीटर्स में ये आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ से कम डेप्थ ऑफ कट रख के दिखाता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। ये आप देख सकते हो ऊपर से चल रहा है मेरा। उसका सेटिंग्स अपने पास यहाँ पे है कि एक्सटेंड पाथ में यहाँ से डिस्टेंस दिया गया है कि 3 mm। अगर हम लोग यहाँ से बोलेंगे 10 mm अब से चालू करना तो ये 10 mm आपसे स्टार्ट होगा। अगर आपको जीरो करना है आप वहाँ पे जीरो भी कर सकते हो। अदरवाइज नीचे अगर आपका थ्रू होल है और एक्सटेंड करना है नीचे की साइड में तो बॉटम ऑफसेट भी यहाँ पे दिया गया है, स्टॉक है और मोर है ये। ओके, और नॉन कटिंग मूव्स सेम है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। सर्कुलर में, हेलिकल में, लीनियर में, जैसे भी आपको लेना है ले सकते हो ये। ओके, तो ये हो गया हेलिकल मेथड। अब हम लोग देखेंगे स्पाइरल मेथड। स्पाइरल मेथड अगर आपका ब्लाइंड होल है तब ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। यहाँ से हम लोग mm कर देंगे कि मुझे 10 10 mm पे चाहिए, 10 नहीं मैं 5 mm कर देता हूँ और ये जनरेट करेंगे और इसे कम करते हैं तो और नज़दीक आएगा 1 mm जनरेट।
मैंने ये ड्रिल किया हुआ है, इसकी वजह से ये ऐसा दिखा रहा है, नहीं तो अंदर दिखाता। तो स्पाइरल में क्या करता है, ये यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे 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 बाहर आता है। उसमें भी अगर आपको डेप्थ ऑफ कट मेंशन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो कि भाई मुझे चाहिए 3-3 mm पे कट लेना है। जनरेट, ये आपको ऐसे 3-3 mm पे स्पाइरल कट करके दे देगा। उसके बाद है हेलिकल एंड स्पाइरल, तो ये जहाँ पे हेलिकल लेना है वहाँ पे हेलिकल ले लेगा। स्पाइरल मीन्स की मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये हेलिकल हो गया बीच में और ये बाकी का स्पाइरल हो गया। तो जो अपना एंट्री कर रहा है वो हेलिकल में आ गया, बाकी का स्पाइरल हो जाएगा। ऐसे ही सर्कुलर है, इसका इतना यूज़ नहीं है, हर कट पे अप होगा। इसे हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं 100%। जनरेट, सिंगल पास चाहिए मुझे, ये सिंगल पास हो गया सर्कुलर में, लेकिन ये हर पास पे अप एंड डाउन करेगा। तो इसमें बेटर है स्पाइरल हेलिकल एंड हेलिकल एंड स्पाइरल, ये तीन मेथड आप मोस्ट ऑफली यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा होल मिलिंग का प्रोग्राम। और सॉरी फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद ये एक नया वीडियो आज रिकॉर्ड हो रहा है, तो किसी की कमेंट का आंसर ना दे पाया हूँ तो आई एम वेरी सॉरी। बट अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, वीडियो को वायरल करो यार, व्यूज़ नहीं आ रहे इतने। तो मुझे मेहनत करने का ये होता है कि भाई मैं ना करूँ, क्यों करूँ मैं मेहनत। तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो ये चैनल्स में वीडियो रेगुलर आते रहेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।